बाई 20 स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन बनाना है और उसको टाइट्रेट करना है KMnO4 के साथ में, और KMnO4 की हमें मोलैरिटी को फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो एम है, टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ M/20 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। तो जो मोलैरिटी है वो हमें बता दी है, M/20 का हमको सॉल्यूशन बनाना है और किसमें बनाना है, 100 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर हमें इसे बनाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें सॉल्यूशन बनाना है ऑक्सैलिक एसिड का। तो हमें ऑक्सैलिक एसिड का सबसे पहले मोलर मास पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है C(OH) का होल ट्वाइस, क्योंकि हम हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड की बात कर रहे हैं तो .2H2O भी होगा इसमें, हाइड्रेटेड है मतलब पानी है। तो अब हम इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो हम निकाल देते हैं। मोलर मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक एटम को उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि यहां पर कार्बन अगर आप देखेंगे तो कार्बन कितने हैं, दो कार्बन है, तो कार्बन का 2 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इस तरीके से हम इनको क्या करेंगे, ऐड करते चले जाएंगे, क्योंकि जो ऑक्सैलिक एसिड है वो इस पूरे से मिलकर बना है। इस तरीके से अब यहां पर देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं, यहां पर ऑक्सीजन 2 है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यानी कि 4 तो यहां पर हो गए, और यहां पर कितने हैं, 2 यहां पर हो गए, तो यानी कि टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए यहां पर, 6। तो 6 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस। अब क्या बचा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, तो यानी कि 6 हाइड्रोजन इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सेम ही रहता है, तो यानी कि 1। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 96 प्लस का 6, तो ये हो गया 24 और 6 30 और 1 9 और 96, तो 9 और 3 12, तो यानी कि 126 ग्राम पर मोल। तो यानी कि सबसे पहले हमने निकाला ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास जो आया 126 ग्राम पर मोल। तो हम इसको लिख लेते हैं पहले, सबसे पहले हमने इसका निकाल दिया है मोलर मास 126 ग्राम पर मोल। अब क्योंकि हमें जो सोल्यूशन बनाना है वो किसका बनाना है, M/20 का। यहाँ पे M जो है ये क्या है, मोलैरिटी, तो हमें मोलैरिटी में सोल्यूशन बनाना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए मोलैरिटी का। ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी जिसका हमें बनाना है सॉल्यूशन उसके मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो होना चाहिए लीटर में। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे कि हमें कितना ग्राम जो है ऑक्सैलिक एसिड वे करना पड़ेगा अगर मेरे को M/20 का सोल्यूशन बनाना है और 100 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर बनाना है। तो सबसे पहले मोलैरिटी आपको दे रखी है यहाँ पे, M/20 का मतलब है 1/20 मोलर, इसका ये मतलब है M/20 का मतलब होता है 1/20 मोलैरिटी का आपको बनाना है। तो मोलैरिटी मेरे को पता है यहाँ पे कितनी दे रखी है, 1/20। नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मोल्स होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो जब हम मोल सल्यूट की बात कर रहे हैं, सल्यूट के जब हम मोल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मास भी किसका होगा, सल्यूट का, मोलर मास भी किसका होगा, सल्यूट का, यानी कि ऑक्सैलिक एसिड का। और वॉल्यूम मेरे को किसमें दे रखा है, ml में दे रखा है, लेकिन यहां पर किसमें मांगा है, लीटर में। तो जब लीटर में लिखना है तो हम ml को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो मैं ये सब लिख के दिखा रही हूं क्योंकि हमें यही सब इसके अंदर पुट करना है। तो मैं लिख के दिखा देती हूँ, मोलैरिटी मेरे को दे रखी है 1/20, तो मोलैरिटी की जगह पर मैंने लिख दिया 1/20 इज इक्वल टू। अब नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मेरे को मोल नहीं निकालने हैं, मेरे को तो निकालना है कि कितना मास मैं वे करूं, तो मेरे को चाहिए यहां से मास, मोलर मास मैंने कैलकुलेट किया है अभी यहां पे, मोलर मास ये रहा 126
ग्राम पर मोल, तो मैं मोल्स की जगह पे क्या लिख दूं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, मोल्स हो गया मास बाय मोलर मास। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम मैंने कैसे लिखा है, वॉल्यूम मेरे को चाहिए एमएल में, क्योंकि मेरे को एमएल में बनाना है, मेरे को लीटर में नहीं बनाना है सॉल्यूशन, तो लीटर की जगह पर हम किससे लिखेंगे, एमएल डिवाइडेड बाय 1000। तो जब ये इसके अपॉन में है तो इस 1000 को हम कहां ले जाएंगे, ऊपर, क्योंकि ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, तो ये 1000 कहां चले जाएगा, यहां से ऊपर चले जाएगा, तो 1000 ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब हम इसमें लिख देते हैं वैल्यूज, मेरे को पता है मोलैरिटी 1/20 दे रखी है, मास मेरे को निकालना है कि मैं कितना ग्राम ऑक्सैलिक एसिड जो है वे करूं, तो उसको मैं मान लेती हूं एक्स, कुछ भी मान सकते हो आप, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है सिंपली, इनटू 1000 से तो हम ये जो फैक्टर है इससे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ही, क्योंकि हमें एमएल में लिखनी है यहाँ पे वैल्यू, तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ उस तरीके से। मोलर मास मैंने निकालना है 126 ग्राम पर मोल, इंटू 100 ml में मेरे को बनाना है, तो इस तरीके से बस आपको ये पुट करना है, बाकी आपका सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट रह जाता है। तो क्योंकि मोलैरिटी मेरे को दे रखी थी, ये भी मेरे को पता था, ये जो है ये मैंने कैलकुलेट किया है इसके फॉर्मूला से ऑक्सैलिक एसिड के, 100 ml मेरे को बनाना था, ये भी मेरे को दे रखा था, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को ml में बनाना था तो मेरे को इसको डिवाइड करना पड़ा 1000 से, तो 1000 इसमें डिवाइड करेंगे तो वो चले जाएगा ऊपर, तो यानी कि 1000 से हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसी तरीके से आपको 250 ml में बनाना होता है तो आप यहां पे सिंपली रख देंगे 250, तो ये 250 में बन जाएगा, तो अभी हम बना रहे हैं 100 ml में, तो यहां पे लिख देते हैं 100। अब यहां से इस वाली चीज को आप निकाल सकते हो, ये x मेरे को यहां से निकालना है, तो बाकी सारी टर्म्स जो है वो इधर की तरफ ले जाओ, यानी इक्वल्स टू के इस साइड में, अगर डिवाइड में है तो ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई में चली जाएगी, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे लिख दूं x इज इक्वल टू, यहाँ पे था 1, तो 1/20 ऐसे लिख देते हैं, इनटू नीचे कौन कौन सी चीज थी, 126 और 100, ये डिवाइड में थे इस तरफ, तो यानी इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में जाएंगे, तो यानी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 126 इनटू 100। अब ये 1000 इस x के मल्टीप्लाई में था, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो इसको डिवाइड में लिख दो 1000। अब बस आपको उसको सॉल्व कर देना है, तो x जो यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, आप बाकी जो कट रहा है उसको काट दो, इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं, ये आ रहा है 0.63। तो कैलकुलेटर में सिर्फ इतना दिखाया है 0.63, तो क्योंकि जो एनालिटिकल बैलेंस है उसमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक दिखाता है, तो हम क्या लिखेंगे, 0.6300 ग्राम, तो ये सही तरीका है लिखने का, 0.6300 ग्राम, क्योंकि आगे की वैल्यू नहीं है तो जीरो ही होगा। तो हमें जो ऑक्सैलिक एसिड वे करना है m बाय 20 का सॉल्यूशन बनाने के लिए और 100 ml के स्टैंडर्ड फ्लास्क के अंदर बनाने के लिए, तो मेरे को इतना ऑक्सैलिक एसिड वे करना पड़ेगा, और इसके आगे का प्रोसीजर हम देखते हैं। तो अभी हम बनाने वाले हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो ये है एनालिटिकल बैलेंस, वेइंग से थोड़ी देर पहले 10 या 15 मिनट पहले आप इसको ऑन करके छोड़ सकते हैं, तो अभी 10 या 15 मिनट हो चुके हैं इसको ऑन किए हुए। ये है ऑक्सैलिक एसिड की बॉटल, तो हमें 100 ml में बनाना है ऑक्सैलिक एसिड का m/20 का सॉल्यूशन, तो हमें वे करना है 0.6300 ग्राम्स। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये क्लीन है या नहीं है, अभी मैंने यहाँ पर इसको क्लीन कर दिया है, अभी हम वॉच ग्लास से वे करेंगे 0.6300 ग्राम्स। तो यहाँ पर जो आप रीडिंग देख सकते हो, ये आप देख सकते हो पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक आ रही है, तो हम जो इसमें रीडिंग लेते हैं वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही लेते हैं। तो अब हम इसके अंदर रख देते हैं वॉच ग्लास, ये वॉच ग्लास होता है, ये बिल्कुल क्लीन एंड ड्राई है, अभी आप देख सकते हैं
मैंने वॉच ग्लास को इसके ऊपर रखा है, तो यहां पर वॉच ग्लास का वे आ गया है 36.0121 ग्राम। तो यहां पे 4 डेसिमल प्लेसेस तक आ रहा है इसका जो वे है। अब हम इसको कर देते हैं टेयर, ये वाला बटन हम इसमें दबाएंगे तो ये हो गया टेयर। टेयर करने का मतलब है कि यहां पर जो इस वॉच ग्लास का जो वे था, मैंने उस वे को माइनस कर दिया यहां पे। तो अब जो मैं वे लूंगी यहां पे, उसके अंदर इस वॉच ग्लास का वे नहीं आएगा। तो मैंने इसको फिर से सेट कर दिया जीरो पे। अब हम इसके अंदर वे करेंगे 0.6300 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड का। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने एग्जैक्ट 0.6300 ग्राम्स ऑक्सैलिक एसिड का वे कर लिया है यहां पे। और आपको ध्यान में रखना है कि इसके जो ये डोर्स हैं ये क्लोज होने चाहिए, अदरवाइज एयर की वजह से भी यहाँ पे फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं रीडिंग्स में, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये है ऑक्सैलिक एसिड के वेट क्रिस्टल्स, ये है स्टैंडर्ड फ्लास्क, इसके अंदर हम स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक का सोल्यूशन बनाने वाले हैं। ये है फनल, ये इसका स्टॉप कॉक है, और ये है पिपेट, ग्रेजुएटेड पिपेट नहीं है ये। अब सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए हम फनल को लगाएंगे इसके ऊपर, स्टैंडर्ड फ्लास्क के ऊपर इस तरीके से। अब हम क्रिस्टल्स को इसके अंदर कर देंगे ट्रांसफर। तो आप देख भी सकते हो कुछ क्रिस्टल्स इसके ऊपर लगे हुए रह गए हैं, तो हम वॉश बॉटल की हेल्प से सारे क्रिस्टल्स को इस स्टैंडर्ड फ्लास्क के अंदर जो है ट्रांसफर कर देंगे। आपको डिस्टिल वाटर डालना है इस वॉश ग्लास के ऊपर, और ध्यान में रखना है कि एक भी क्रिस्टल इसके बाहर ना जाए, इसके अंदर ही रहे। अब हम डालेंगे इस फनल के ऊपर, ताकि जो भी क्रिस्टल स्टिक कर गए हैं इस फनल से वो अंदर चले जाए। आपको लगभग 50-60 ml पानी लेना है इसके लिए, इसमें डिस्टिल वाटर, और इसको अच्छे से शेक करना है ताकि सारे क्रिस्टल्स जो हैं वो डिसॉल्व हो जाएं इसके अंदर। तो अभी क्रिस्टल्स जो हैं वो डिसॉल्व हो गए हैं। अब हम इसके अंदर और डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे। तो इस स्टैंडर्ड फ्लास्क के ऊपर अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं तो एक मार्क लगा हुआ है, ये डिनोट करता है कि ये 100 ml यहां तक इसमें फिल हो सकता है। तो ये 100 ml का मार्क है, तो हम उससे नीचे तक ही फिल करेंगे इसमें। लगभग 2 ml नीचे तक मैंने इसको फिल किया है। अब जो बाकी का जो ml बचा है हम उसको डालेंगे थ्रू पिपेट, पिपेट की हेल्प से हम इसके अंदर डालेंगे, बिकॉज इससे वॉश वाटर से हमारा एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं जा पाएगा, तो हो सकता है हमारा सोल्यूशन खराब हो जाए। तो ये है डिस्टिल वाटर। अब हम पिपेट से क्या करेंगे, पिपेट आउट करेंगे। अब इसके अंदर पानी है, अब हम इस वाटर की हेल्प से इसको फिल कर देते हैं मार्क तक। तो ये मैंने यहाँ तक उसको बना दिया है। तो ये है स्टैंडर्ड फ्लास्क, इसमें मैंने वाटर ऐड कर दिया है। आप इसको हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली है, आप देख सकते हैं
ये कलरलेस सॉल्यूशन है तो उसका लोअर मेनिस्कस लाइन को टच कर रहा है, तो इस तरीके से आपको इसमें वाटर ऐड करना है। सॉल्यूशन बनने के बाद इसको आपको इस तरीके से बंद कर देना है और इसको आपको टॉगल करना है 8-10 बार ताकि जो सॉल्यूशन है वो पूरा होमोजेनस हो जाए। दोनों हाथ से आप इसको शेक करेंगे इस तरीके से। तो लगभग 8-10 बार इसको टॉगल करना है इस तरीके से और आपका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो तैयार हो गया है। अब आप इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को आगे टाइट्रेट कर सकते हैं। तो जब आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन जाए तो आपको उसको लेबल भी करना है। तो हमने जो सॉल्यूशन बनाया है ये बनाया है 100 ml के फ्लास्क में, तो वो तो हमें दिख ही रहा है कि 100 ml का फ्लास्क है, तो हमें यहाँ पे लिखना है m/20 ऑक्सैलिक। तो इस तरीके से आपको लेबल करना है कि m/20 का ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन है और उसको आपको इस पर पेस्ट कर देना है, क्योंकि आप ऐसे कई सारे सॉल्यूशंस भी बना सकते हैं तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि कौन सा सॉल्यूशन है, तो हमेशा हम इनको लेबल करते हैं। तो सबसे पहले हमने बनाया है m/20 ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन। ये है हमारे पास में KMnO4 सॉल्यूशन, ये है कॉनिकल फ्लास्क, पिपेट 10 ml, फनल, ये है वॉश बॉटल और यह है क्लैम्प स्टैंड जिसमें हमने ब्यूरिट लगा रखी है। तो ये जो ब्यूरिट है ये आप देख सकते हैं 50 ml की ब्यूरिट है। यह है 50 ml की ब्यूरिट। तो इस ब्यूरिट में आप देख सकते हैं 1-1 ml का इसमें डिवीजन है, 50, 49, 48, तो इसमें 1-1 ml का डिवीजन है और उस हर एक 1 ml के डिवीजन में फर्दर 10 ml का डिवीजन है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे 49 और 50 के बीच में, तो ये 1 ml हो गया यहाँ से यहाँ तक और इसके अंदर फर्दर ये 10 ml का जो है डिवीजन है, इसके अंदर यहाँ पे 49.5 है, तो इसका मतलब ये 4, 3, 2, 1, इस तरीके से हम पॉइंट वाइज इसमें वैल्यू देखते हैं। तो ये 1 ml का डिवीजन है हर एक में और उसके अंदर भी 10 डिवीजन्स हैं, तो यानी कि 0.1, 0.1, 0.1 इतने का उसके अंदर डिफरेंस है। ब्यूरिट जो हम ये ग्लास वाली यूज़ कर रहे हैं, एक रबर स्टॉप कॉप की भी होती है उसको हम यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज इट रिएक्ट्स विद KMnO4 सॉल्यूशन, तो हमें KMnO4 की टाइट्रेशन करनी है तो हम ये वाली ब्यूरिट जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सारे अपैरेटस वॉश करने हैं टैप वाटर के साथ में और सोप सॉल्यूशन के साथ में। तो मैंने वॉश कर दिए हैं ऑलरेडी और इसके बाद में वॉश करना है थ्रू डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर के साथ में आपको ये वॉश करने हैं। तो ब्यूरेट जो है ये वॉश्ड है डिस्टिल वाटर से। डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद इस ब्यूरेट को हम वॉश करेंगे विद KMnO4 सॉल्यूशन, क्योंकि जिस सॉल्यूशन से हमें इस ब्यूरेट में रीडिंग्स लेनी है हम उसी सॉल्यूशन को इसके अंदर पहले रिंस करेंगे। तो हम इसमें लगभग 2-3 ml लेंगे आप तक सॉल्यूशन और इसको अच्छे से रिंस करेंगे। तो पहले ब्यूरेट को हम रिंस कर लेते हैं KMnO4 सॉल्यूशन के साथ में। तो सबसे पहले ये ब्यूरेट ऑलरेडी वॉश्ड है डिस्टिल वाटर के साथ में, ये है KMnO4 का सॉल्यूशन। तो हम इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन डालेंगे KMnO4 का, तो हम जो डालते हैं वो इसकी हेल्प से डालते हैं क्योंकि इससे फनल भी हमारी वॉश हो जाएगी जिसका हमें यूज करना है। तो हम इसमें फनल की हेल्प से जो है डाल देते हैं KMnO4 का सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं ये जो गुलाबी गुलाबी सॉल्यूशन है ये है KMnO4 का सॉल्यूशन। इससे जो मेरी फनल है ये भी वॉश हो गई है। तो ये जो ब्यूरेट है ये हमें पूरी वॉश करनी है, ये नहीं है कि हमने नीचे का सॉल्यूशन जो है वो ऐसे छोड़ दिया है, यहां तक हमें इस सॉल्यूशन को अंदर लेकर जाना है। तो पहले हम इस टैप को यहां से ओपन कर देंगे सिंक में, तो ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा। मैंने इसको ओपन कर दिया तो ये सॉल्यूशन भर गया है नीचे तक, तो यहां पर भी ये रिंसिंग हो गई है। अब जो बाकी का सॉल्यूशन है वो आपको इस तरीके से इसको वॉश करना है।
और इसको गोल गोल घुमाना है ताकि चारों तरफ जो है वो सोल्यूशन अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको आपको निकाल देना है। तो ये देखिए प्यूरी ब्यूरिट जो है वो रिंस हो गई है इससे। अब हम इसके अंदर फिल कर सकते हैं KMnO4 का सोल्यूशन। आपको हमेशा फिल करने के बाद इस फनल को हटा के रखना है। फनल लगी नहीं रहनी चाहिए इस ब्यूरिट के ऊपर। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा डल गया है तो हम इसको ऊपर करके इस तरीके से इसके अंदर निकाल सकते हैं बाकी का सोल्यूशन जो हमें नहीं चाहिए। और जो हम मेजर कर रहे हैं ये हमेशा हमें हॉरिजॉन्टली मेजर करना है। जो लाइन है हमें उसकी परपेंडिकुलर देखना है हमेशा यहां से। तो इस तरीके से जो है ये ब्यूरिट फिल हो जाएगी पूरी। तो क्योंकि ये जो KMnO4 है कलर्ड सोल्यूशन है, कलर है KMnO4 का, तो हम इसमें जो देखेंगे वो देखेंगे अपर मेनिस्कस, क्योंकि लोअर मेनिस्कस जो है वो इतने अच्छे से विजिबल नहीं होता है कलर्ड सोल्यूशन में। तो हम इसमें अपर मेनिस्कस देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो ये पूरा 10 ml है एग्जैक्ट अपर मेनिस्कस देखा है इसका। इस तरीके से आपको फिल करना है। तो ये हो गया ब्यूरेट की फिलिंग के लिए। हमेशा ये जो फनल है ये आपको हटा के रखनी है ब्यूरेट के ऊपर से, लगे नहीं रहने देनी है। अब हमें लेना है कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क को सिर्फ वॉश करेंगे डिस्टिल वाटर से, और किसी चीज से इसको वॉश नहीं करना है ना ही रिंस करना है, सिर्फ डिस्टिल वाटर से ही वॉश करते हैं। अब हम लेते हैं अपना स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन। ये होता है एयर टाइट। अब हम इसमें से जो सोल्यूशन लेंगे वो हम किससे लेंगे, पिपेट से लेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने पिपेट यूज कर रही है ये है 10 ml की पिपेट। तो पिपेट इस तरीके से होती है, ऊपर से भी पतली सी है नीचे से भी पतली सी है, बीच में जो है ये इस तरीके से बल्ब होता है। तो कभी भी पिपेट को जब हम पिपेट आउट करते हैं इसमें से सोल्यूशन, तो कभी भी हम इस तरीके से नहीं करते हैं, बल्ब से हम इसको कभी भी नहीं पकड़ते हैं, हमेशा हम पकड़ते हैं ऊपर से। इस तरीके से हम पिपेट को पकड़ते हैं क्योंकि हमारे हाथों में से भी गर्मी निकलती है, तो उसकी वजह से ये ग्लास का बना है तो ये एक्सपैंड हो सकता है। अगर एक्सपैंड हो जाएगा तो 10 ml की जगह हो सकता है हम ज़्यादा ml ले लें, तो ग्लास एक्सपैंड हो जाता है हीट करने पे, तो हो सकता है आपकी रीडिंग गलत आए, हो सकता है आपका 10 ml आए ना, उससे ज़्यादा ले लो आप। तो इस वजह से हम यहाँ से इस तरीके से इसको होल्ड करते हैं और पिपेट आउट कर देते हैं। अब आप इसमें एक चीज़ और देख सकते हो, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो ये एक मार्क है यहाँ पर, ये सर्कल की फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, गोल गोल यहाँ पे मार्क लगा हुआ है। तो ये मार्क बताता है कि इस पिपेट की कितनी कैपेसिटी है। जैसे कि ये पिपेट 10 ml की है, तो इसका मतलब है जब आप नीचे से सोल्यूशन पिपेट आउट करोगे तो वो सोल्यूशन जब यहाँ तक पहुँचेगा इस लाइन तक तो 10 ml हो जाएगा। तो आपको पिपेट आउट सिर्फ यहाँ तक करना है, ये नहीं कि आप ऊपर तक ले जाओ। तो उसको आराम से सक करते हैं और सिर्फ इस लाइन तक पिपेट आउट करते हैं, तभी आपका 10 ml है। इस तरीके से 5, 10, 15, 20, 25 हर तरह की पिपेट होती है, तो 10 ml की भी, 20 ml की भी, सब तरह की होती है। तो हमें टाइट्रेशन के लिए कौन सी चाहिए, 10 ml की पिपेट। आपको यहाँ तक पिपेट आउट करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। आप इसे थोड़ा एक्स्ट्रा लेके आप निकाल भी सकते हो विद द हेल्प ऑफ 4 finger। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से पिपेट आउट करना है इससे सोल्यूशन स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड का इनटू दिस कॉनिकल फ्लास्क। तो ये रहा M/20 का ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन, ये रहा पिपेट पिपेट आउट करने के लिए, और ये रहा कॉनिकल फ्लास्क जिसके अंदर मुझे ये डालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पिपेट को वॉश करना है इस ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन के साथ में। तो हम लगभग 2 बार इसको वॉश करेंगे। वॉश कैसे करना है, आप इसमें से पिपेट आउट करो, थोड़ा सा मैंने इसमें सोल्यूशन जो है पिपेट आउट किया है। अब आप इस तरीके से इसको गोल गोल घुमा सकते हैं, पूरी पिपेट के अंदर सोल्यूशन जाना चाहिए, और आप इसको डिस्कार्ड कर दो। अब आप इसके अंदर दोबारा से वॉश कर सकते हो थोड़ा सोल्यूशन लेके।
ये मैंने इसके अंदर थोड़ा सॉल्यूशन ले लिया है। तो आपको याद रखना है, ब्यूरेट को वॉश करते हैं उसके सॉल्यूशन से, पिपेट को वॉश करते हैं लेकिन कॉनिकल फ्लास्क को वॉश नहीं करते हैं। तो अब हम इसमें से 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन पिपेट आउट कर लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ फोर फिंगर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और आप इसको थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे तो सॉल्यूशन जो है वो नीचे चले जाएगा। अभी सॉल्यूशन थोड़ा ज्यादा है मार्क से, अब आप देख सकते हैं एग्जैक्ट जो है इसमें 10 ml का सॉल्यूशन है। अब आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो ये यहीं पर ही रहेगा इस तरीके से। अब आप इसको ट्रांसफर कर दीजिए इनटू दिस, और यहाँ से उंगली आप हटा सकते हैं, तो ये जो सॉल्यूशन है ये इसके अंदर चले जाएगा इस तरीके से। ये सॉल्यूशन इसके अंदर चला गया है। इसके बाद में भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा सॉल्यूशन इसमें अब भी बचा हुआ है, बहुत थोड़ा सा सोल्यूशन है, लेकिन आपको इसको फूक मार के इसमें से नहीं निकालना है, क्योंकि ये ब्यूरेट इतनी कैलिब्रेटेड है कि इसके अंदर जितना मार्क लगा था और यहां तक जितना ट्रांसफर हुआ है वही 10 ml है। अगर आप इसको भी ब्लो आउट करके इसमें से निकालोगे तो आप 10 ml से ज्यादा का वॉल्यूम ले लोगे, तो आपको ये जो है इसके अंदर से ये नहीं निकालना है, आप इसको एज इट इज रख दोगे। अब इसके अंदर मेरे पास क्या है, 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन जो मैंने पिपेट आउट किया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि हम KMnO4 के साथ में टाइट्रेशन कर रहे हैं, KMnO4 वाली टाइट्रेशन में हमेशा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डलता है, लगभग एक टेस्ट ट्यूब आप डाल सकते हो। तो ये रहा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने इतना लिया है और ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब हम इसकी करेंगे हीटिंग लगभग 60 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये स्लो होती है, इसलिए हम अब इसकी हीटिंग करेंगे। तो हीटिंग इस तरीके से करते हैं, ये वाटर बाथ है, मैंने इसके अंदर पानी रखा हुआ है गर्म होने के लिए, और ये है वायर गॉस, ये ट्राइपॉड स्टैंड, और ये हीट हो रहा है लगभग 60 डिग्री सेल्सियस अब हो गया है। तो ये जो मेरा कॉनिकल फ्लास्क है हम इसको इसके अंदर हीट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, इतना ही हीट करेंगे कि मॉइस्चर आ जाए इसकी यहाँ पे नेक पर। अभी आप देख सकते हैं ये हीट अप हो रहा है और इसके यहाँ पे मॉइस्चर भी आ रहा है, तो रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाएगी इससे, इसलिए हम इसको हीटिंग कर रहे हैं। इसके जस्ट बाद हमें क्या करना है, टाइट्रेशन करनी है विद KMnO4। तो अभी ये बिल्कुल इस तरीके से इसको हीट हो जाना चाहिए, अनबियरेबल टू टच। और इसके तुरंत बाद आपको टाइट्रेट करना है इसको। तो ये मैंने अभी भी हटाया है हीटिंग से, अब हम इसको तुरंत टाइट्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। इनिशियल रीडिंग मेरे को पता है 10 ml थी, अब हम डालेंगे इसमें 1-1 ml, 1-1 ml डालेंगे क्योंकि मुझे नहीं पता कि रीडिंग कहाँ आएगी। तो अब हम 1 ml डालते हैं पहले, तो मैंने डाला पहले 11 तक। अब इसको हम शेक कर देते हैं, आप देख सकते हो कलर जो है वो डिसअपियर होता जा रहा है, और मैंने इसमें कोई इंडिकेटर नहीं डाला है क्योंकि KMnO4 जो है वो सेल्फ इंडिकेटर है, तो मेरे को कोई इंडिकेटर की इसमें जरूरत नहीं है। तो आप लेफ्ट हैंड से जो है इस टॉप को आपको पकड़ते हैं और राइट हैंड से इसको टाइट्रेट करते हैं इस तरीके से। अब मैं 1-1 ml डाल रही हूं, ये हो गया 12 तक 1 ml, ये हो गया 13 तक, ये हो गया 14 तक, 1-1 ml करके मैं इसमें ऐड कर रही हूं।
तो आप ये देख सकते हो अब जो है इस सोल्यूशन का कलर गायब नहीं हो रहा है, ये पिंक ही रह गया है। तो अभी जो मेरी रीडिंग है ये है 22 पे, तो मैंने 10 से स्टार्ट किया था और 22 तक अभी हो गई है, तो यानी 12 ml जो है मेरा यूज हो चुका है। तो अभी मेरे को नहीं पता है क्योंकि मैंने ड्रॉप वाइज ऐड नहीं किया है, तो मेरे को नहीं पता है कि रीडिंग कहाँ पर आई थी। तो मेरे को इतना पता है कि 21 तक जो है मेरी रीडिंग नहीं आई थी, तो मैं 21 तक जो है पहले डायरेक्ट डाल दूँ, उसके बाद में ड्रॉप वाइज डालेंगे देखने के लिए कि एंड पॉइंट कहाँ पर आए। तो अब हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, अब हम इसको वॉश करेंगे वॉश बॉटल से। और किसी भी सोल्यूशन के साथ में इसको वॉश नहीं करना है, 2-3 बार अच्छे से इसको तो अभी ये वॉश हो गई है। अब फिर से हम पिपेट से पिपेट आउट करेंगे, पिपेट ऑलरेडी वॉश है तो हम 10 ml लेते हैं। ये है 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन। ये हमने ले लिया सॉल्यूशन, अब इसमें डालेंगे हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये रहा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अब हम इसकी करेंगे हीटिंग। तो ये अभी मैंने इसको हीट कर दिया है, अब हम इसको जस्ट टाइट्रेट करते हैं KMnO4 के साथ में। इस तरीके से जो है हम टाइट्रेट करते हैं इसको, ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं विद कांस्टेंट शेकिंग। अभी आप देख सकते हैं कलर जो है वो डिसअपियर होता जा रहा है, एंड पॉइंट आएगा हमारा लाइट पिंक कलर, पेल पिंक कलर हमारा एंड पॉइंट है। रीडिंग जो है वो हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं, कभी भी ऊपर या ज्यादा नीचे से नहीं देखते हैं, वरना जो हमारा ml यूज हुआ है वो हमें पता नहीं चलेगा, रीडिंग गलत आएगी। अभी मेरे को पता है इसमें और ज़्यादा ml यूज होगा, और मैं इसमें करके दिखा रही हूँ कि इस तरीके से टाइट्रेट करते हैं, KMnO4 को हम स्लोली ऐड ही करते हैं। हमने हीट कर दिया इसलिए रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो गई है, अदरवाइज रिएक्शन काफ़ी स्लो होती है ऑक्सैलिक और KMnO4 की। अभी आप देख सकते हैं कि कलर डिसअपियर होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसका मतलब होता है कि एंड पॉइंट अब पास में ही है। जब हमारा पेल पिंक कलर जो है सॉल्यूशन के अंदर परसिस्ट कर जाएगा तो वो हमारा एंड पॉइंट होगा, आई थिंक अब आने वाला है एंड पॉइंट। अब हम डालेंगे ड्रॉप वाइज क्योंकि अब हमें लग रहा है कि हमारा एंड पॉइंट आने वाला है। अभी डिसअपियर हो गया कलर, अभी आप देख सकते हैं ये कलर जो है ये डिसअपियर नहीं हुआ है, बट दिस इज नॉट पेल पिंक।
दिस इज पेल पिंक कलर, जो हमारा एंड पॉइंट है, जो हमारा कलर आना चाहिए पेल पिंक कलर इस तरीके से। तो अब हम देखेंगे कि हमारी इनिशियल रीडिंग हमने कहां से स्टार्ट किया था और हमारा अब जो रीडिंग आई है वो कहां पर आई है। तो ये है पेल पिंक कलर सॉल्यूशन का, जो आपका एंड पॉइंट आना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा डार्क पिंक होगा तो यानी कि रीडिंग जो है वो ओवरशूट हो गई है। तो यानी अगर आपसे 1-2 ml इसमें ज़्यादा डल जाता तो आपका सॉल्यूशन का कलर जो है वो डार्क आता इस तरीके से। डार्क कलर नहीं होना चाहिए, पेल पिंक कलर ही होना चाहिए, दैट इज़ द एंड पॉइंट। ज़्यादा नहीं होना चाहिए कभी भी इस तरीके से, लाइट पिंक होना चाहिए जैसे मैंने अभी दिखाया था। तो जो मैंने पहले रीडिंग ली थी वो मैंने स्टार्ट किया था 10 से और मैंने रफ रीडिंग ली थी तो मैंने 22 पर जो है वो स्टॉप कर दिया था। तो यानी कि लगभग मेरा 12 ml से कम में ही आ गई थी रीडिंग, लेकिन मैंने कंफर्मेशन के लिए सेकेंड रीडिंग ली है। फर्स्ट रीडिंग जो थी मेरी रफ रीडिंग थी, वो सिर्फ आइडिया देती है कि आपकी रीडिंग कहाँ पर आने वाली है। तो ये था 11.8 पे रीडिंग। अभी मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया इसमें से, इसलिए रीडिंग ज़्यादा है। तो जो रीडिंग आई वो आई 11.8। तो इस तरीके से जो है आप KMnO4 के साथ में टाइट्रेशन करते हो ऑक्सैलिक एसिड की। तो अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस की। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जर्वेशंस के अंदर। सबसे पहले हमने बनाया था स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन, वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हमें ये बनाना है। तो हमारा जो ए पार्ट है जो कि है प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन, ये जो है हमारा हो गया है। अब हम बी पार्ट के ऊपर आते हैं, इसमें है टाइट्रेशन हमारी स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन की KMnO4 के साथ में। तो इसमें अब हमें लिखना होगा इस तरीके से कि हमने कितना स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड पिपेट आउट किया था कॉनिकल फ्लास्क में, कितना किया था 10 ml। तो 10 ml जो है मैंने स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर पिपेट आउट किया था। इसके बाद में मैंने अप्रोक्सीमेटली 10 ml डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला था। ये रहा डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। अब ब्यूरेट में मैंने क्या लिया था, ब्यूरेट में हमने भरा था KMnO4 सॉल्यूशन। तो ब्यूरेट में है हमारा KMnO4 सॉल्यूशन। अब मैंने इंडिकेटर क्या लिया था, इंडिकेटर को डालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जो KMnO4 है वो एक्ट करता है एज सेल्फ इंडिकेटर। तो जो KMnO4 है मेरा वो सेल्फ इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर डालने की जरूरत ही नहीं है। तो जो मेरा एंड पॉइंट आया था वो कैसे आया था, कलरलेस टू पेल पिंक आया था, यानी कि पिंकिश टिंज आया था, पिंकिश टिंज। तो इस तरीके से हम लिख देते हैं इनको कि मैंने 10 ml जो है स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन पिपेट आउट किया, उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ब्यूरेट में था मेरा KMnO4, उसके बाद मेरे को इंडिकेटर इसमें डालने की जरूरत थी नहीं, एंड पॉइंट मेरा आया कलरलेस टू पिंकिश टिंज। अब हमने जब ये सब ले लिया है तो हमने यहां से क्या लिया था, रीडिंग ली थी KMnO4 की। तो उस रीडिंग के लिए हम क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। तो हम यहां पर बना देते हैं, इसके बाद में जो है हमें टेबल बनानी है। तो ये है आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल, इस तरीके से आपको टेबल बनानी है। यहां पर आप लिख सकते हैं सीरियल नंबर, यहां पे आपको लिखनी है ब्यूरेट रीडिंग, ब्यूरेट रीडिंग के अंदर आपको लिखना है इनिशियल रीडिंग और यहां पे लिखनी है फाइनल रीडिंग, और यहां पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं ml, क्योंकि हम ml में ले रहे हैं रीडिंग। अब यहां पे लास्ट वाले कॉलम में आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन यूज्ड इन ml। यहां पे आपको 3 कॉनकॉर्डेंट रीडिंग्स चाहिए होती हैं, मतलब एक के बाद एक आपकी सेम टू सेम रीडिंग आनी चाहिए, तो वो कॉनकॉर्डेंट रीडिंग कहलाई जाती है। तो सबसे पहले इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था 10 ml से और चला गया था वो 21.8 तक, तो यानी कि मेरा 11.8 ml यूज हुआ था। तो मैंने जो 10 ml को मैंने मान लिया V1, और 21.8 ml को मैंने मान लिया V2 ml। तो मेरे जो इनिशियल रीडिंग थी मैंने कहां से स्टार्ट की थी, 10 से, और गई कहां तक थी, 21.8 तक। तो अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम करेंगे V2 माइनस V1,
क्योंकि फाइनल रीडिंग मैंने क्या मानी है V2, इनिशियल मानी है V1, दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड यानी कि 11.8 ml। ऐसे ही आप यहां पर भी टाइट्रेशन करेंगे तो यहां पर आएगी 11.8, तीसरी बार भी करेंगे तो आएगी 11.8। इसके बाद में यहां पे आपको लिखना होता है कॉन्कॉर्डेंट टाइटर वॉल्यूम, इसी टेबल के नीचे लिखते हैं कॉन्कॉर्डेंट टाइटर वॉल्यूम और उसी को लिखना होता है कि मेरी जो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आई है वो कितनी आई है 11.8 ml। तो आपको जो सोल्यूशन दिया जाएगा आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज रखनी है, ये वैल्यूज नहीं रखनी है। आप जितना वे करेंगे जितना मोलैरिटी का आपको KMnO4 मिलेगा वो आपको नहीं पता होगा और जितनी आपकी रीडिंग आएगी आपको वो रीडिंग यहाँ पर लिखनी है और वो कॉन्कॉर्डेंट आनी चाहिए इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से जो है यहाँ पे टेबल बनानी है। अब इससे मेरे को पता चल गया है कि मेरी जो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आई वो 11.8 ml जितनी भी आएगी, हमें सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट देखना है। तो हम मान लेते हैं 11.8 आ रही है और उसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशंस को कर लेते हैं। तो ये था हमारा ऑब्जर्वेशन के अंदर कि हमने स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड बनाया और उसकी टाइट्रेशन की और रीडिंग ले ली। अब आता है हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट, तो अब हम देख लेते हैं कैलकुलेशन किस तरीके से है। तो ये जो है हमारा ये कैलकुलेशन में पार्ट आता है। सबसे पहले हम जो इसमें कैलकुलेशन पार्ट करते हैं सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो हमारी जो रिएक्शन है वो है KMnO4 के साथ में ऑक्सैलिक एसिड की। तो इसमें हम आयनिक फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं हमेशा। तो ये हो गए MnO4 - 2 moles और इसके हो गए 5 moles ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, 16H+, ये देगा 2Mn2+, 10Co2 और 8H2O। इसकी बैलेंसिंग के लिए अलग से मैं वीडियो बना सकती हूँ अगर आपको चाहिए तो। यहाँ पर हम सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट की बात कर रहे हैं, किस तरीके से बैलेंस हुई है उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे देखना क्या है कि जब 2 mole मेरा KMnO4 का यूज हो रहा है तो 5 mole मेरा ऑक्सैलिक एसिड का यूज हो रहा है। तो यानी कि जब 2 mole लग रहा है मेरा KMnO4 का तो वो रिएक्ट कर रहा है 5 mole ऑक्सैलिक एसिड के साथ में। तो यानी इसका 2 mole हो रहा है इसके 5 mole के साथ में रिएक्ट। तो M1V1 = M2V2 हम फॉर्मूला यूज करते हैं मोलैरिटी निकालने के लिए। तो M1V1 मैंने मान लिया KMnO4 को, M2V2 मान लिया मैंने ऑक्सैलिक एसिड को, ये O है यानी कि ऑक्सैलिक एसिड मैंने लिखा है। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे आप इस तरीके से देख सकते हैं, जब इसका 2 mole यूज हो रहा है इसका 5 mole यूज हो रहा है। तो जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि ऑक्सैलिक एसिड को 2 से कर देंगे और इधर इसको 5 से कर देंगे तो दोनों बराबर हो गए, यहां भी 10 आ गया वहां भी 10 आ गया। तो यानी कि KMnO4 को मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऑक्सैलिक एसिड को मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो जब मेरा KMnO4 का 2 mole यूज हो रहा था तो ऑक्सैलिक एसिड का 5 mole यूज हो रहा था, क्योंकि इन दोनों को इक्वल करना है तो हम ऑक्सैलिक एसिड को कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई और यहां कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई। तो मेरी इक्वेशन ये बन गई 5M1V1 जो कि है KMnO4 का इज इक्वल टू 2M2V2 जो कि है ऑक्सैलिक एसिड का। अब मेरे को यहां से निकालना क्या है, यहां पर हम लिख देते हैं मोलैरिटी ऑफ KMnO4, M1V1 ना लिख के हम लिख देते हैं मोलैरिटी ऑफ KMnO4। अब इसको कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई इनटू यहां पे क्या था वॉल्यूम ऑफ KMnO4, ये रहा इज इक्वल टू 2 इंटू मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। यहां से मेरे को चाहिए क्या मोलैरिटी ऑफ KMnO4, तो बाकी सारी चीजों को उधर ले जाओ सिर्फ इसको यहां पे रहने दो। मोलैरिटी ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2/5, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चले जाएगा, ये हो जाएगा मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ KMnO4। अब बस यहाँ पे आपको वही सारा डाटा उठा के रखना है। मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितने मोलैरिटी का आपने ऑक्सैलिक एसिड बनाया है वो बनाया 1/20 का। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड पिपेटेड आउट कितना था वो था 10 ml कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन यूज्ड जो भी हमने टेबल बनाई थी उसमें हमारा कितना KMnO4 का जो वॉल्यूम है वो यूज हुआ था तो वो था 11.8 ml। तो बस इन सबको यहाँ पे रख दो, मोलैरिटी आप यहाँ से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो वो आएगी आपकी मोलैरिटी ऑफ KMnO4, इसे आप सॉल्व कर सकते हो खुद। तो इस तरीके से आपको मोलैरिटी निकालनी है।
तो यहाँ पर जो आपको 2 और 5 फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ इक्वल करना है दोनों तरफ, तो दूसरी तरफ 2 से कर दो, एक तरफ 5 से कर दो, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अगर इसी तरीके से आपको स्ट्रेंथ निकालनी है, ये है मैंने 4 की मोलैरिटी, जब हमारी निकल गई है तभी हम इसकी स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, मोलैरिटी रखनी है KMnO4 की, जो अभी हमने फाइंड आउट की थी, उसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके मॉलिक्यूलर मास से, यानी कि 158 से। तो जो मोलैरिटी आई थी उसको मल्टीप्लाई कर देना 158 से, तो आपकी स्ट्रेंथ भी निकल कर आ जाएगी। स्ट्रेंथ लिखते हैं हम ग्राम पर लीटर में, तो इसकी यूनिट्स भी हमें याद होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस का पार्ट करते हैं KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशंस में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।